बहुत अरसे बाद इस किस्म के इवेंट आए हैं। प्रोवेंशल जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कीम आई है, और यकीनन ये जो सारा शहर है, सारे निज़ाम का RSO साहब बरकी साहब की तरफ जाता है, क्योंकि वो जब से आए हैं कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्रिकेट की और फुटबॉल की, जो वॉलीबॉल के भी ट्रायल हैं, तो इससे ये होता है कि जो यूथ में जो गेम का फुकदान पाया जा रहा था रिसेंटली, तो वो प्रमोशन हो रही है गेम। और साथ ही ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको पता है कि रिसेंटली सैलाब का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे एक अल्लाह की तरफ तकलीफ आई है, तो अभी जो हालात थे उसमें इस किस्म का पॉजिटिव एक्टिविटी कराना बहुत जरूरी था। RSO साहब और आपकी टीम का वेल डन, आप लोगों ने एक एक्टिविटी क्रिएट की, और इंशाल्लाह अभी जैसे ही ये सर्दियों का मौसम वगैरह थोड़ा सा बेहतर होता जाएगा, डी खान में मुख्तलिफ, जब मैं डी खान की बात कर रहा हूँ, मैं डी खान डिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी खास इलाके की बात नहीं कर रहा, तो हमें ये एक्टिविटीज़ भी करेंगे, हमारा डेरा जात ट्रेडिशनल इवेंट भी होगा, उसके साथ हमारी वो जीप रैली का भी प्रोग्राम जो है उसी तरह होगा, और बाकी जो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको। ये हमारे RSO अनवर कमाल बरकी साहब की बहुत अच्छी कोशिश है कि वो यूथ को इकट्ठा करें, यहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स के ट्रायल्स करा रहे हैं, और इंशाल्लाह वो एक अच्छा कदम ले रहे हैं ताकि डी खान के जितनी यूथ है वो गेम की तरफ आए। जिस तरह के मतलब कि पिछले कुछ अरसे से सैलाब की वजह से ये यूथ या ये जो लोग ट्रामा के उसमें थे, शक्ल में थे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी कोशिश है कि उनको इकट्ठा कर एक प्लेटफॉर्म दिया, ट्रायल मुनक़द किए, और इसमें इंशाल्लाह डेर इस्माइल खान के जो भी बेहतरीन खिलाड़ी वो आपको सामने देखने में मिलेंगे। आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद इंटर कॉन्स्टिट्यूएंसी गेम्स, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर साहब आतिफ खान साहब, DG स्पोर्ट्स खालिद खान साहब की हिदायत पे होने जा रहा है, रीजनल सतह पे मुकाबले होंगे, जो इन रीजनल सतह पे जो टीम विन करेगी वो फिर इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में 27 तारीख 28 29 उन डेटों में एक बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है पेशावर में, जिसमें तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश होगी कि डी खान का टैलेंट उभर के सामने आए, अच्छे लड़के बने, अच्छी टीम बने, किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स का एक इंतहाई बेहतरीन इकदाम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने और डिप्टी कमिश्नर डी खान ने हमने प्लान किया, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द तहसील कुलाची, पाटपुर, तहसील परोवा, तहसील द्राबन, इसमें स्पोर्ट्स एंड कल्चर की एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये इंशाल्लाह उस खुशी की पहली लहर होगी जो इस इलाके के, हम खुद जाएंगे, सरकार खुद आपके दरवाजे पे आ रही है, हर पीके में जा रही है, ट्रायल्स ले रही है, मैं खुद उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर ने अपॉर्चुनिटी दी हर छोटे लड़के और बड़े लड़कों को, अंडर 29 एज तक ये टूर्नामेंट ने रखा हुआ है, ट्रायल भी हो रहे हैं क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इंशाल्लाह जो भी अच्छे प्लेयर होंगे इंशाल्लाह सेलेक्ट होकर फिर आगे गेम्स में डी खान सिटी 1 और सिटी 2 की नुमाइंदगी करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस हर रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जो जब से आए हैं, माशाल्लाह ग्राउंड हमारे आबाद हो गए हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब लड़कों के लिए, रेगुलर गेम्स होती रहती हैं, इस वजह से हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।